क्या ऐड करना चाहेंगे आप इस पे? बायलैटरल टाइज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हम कुछ और ऐसे जॉइंट वेंचर्स भी कर रहे हैं जिसमें दीगर स्टेट्स भी शामिल हैं। बिल्कुल, देखें चाइना के साथ तो हम हैंड इन हैंड चल ही रहे हैं और बहुत अच्छी कोलैबोरेशन दोबारा से शुरू हो गई है, और जो हमारी टॉप ब्रास है इसमें वो खुद इन्वॉल्व है, खुद बड़ी एक्टिव है। हमारी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें जो है इन्वॉल्व है और लीड कर रही है फ्रंट। अभी रिसेंटली जो है कुछ नई इंगेजमेंट्स हुई हैं जिसमें जो प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग डिवीजन के बेसिकली प्लानिंग कमीशन के जो मिनिस्टर हैं असद उमर साहब और फिर खालिद मंसूर साहब हैं, इन्होंने मिल के जो है कोई 70 मेरे ख्याल में चाइनीज़ कंपनीज 40 से 70 के दरमियान जो है वो यहाँ जो ऑपरेट कर रही हैं उनके चीफ्स को बुलाया, उनको कॉन्फ्रेंस में लिया कि किस तरह से हम आपके लिए यहाँ पे फैसिलिटेशन जो है वो कर सकते हैं हर तरह से। फिर चाइनीज एम्बेसडर के साथ बहुत अच्छा डिस्कशन चलता रहा है और वो अब दोबारा इंगेजमेंट बहुत अच्छी शुरू हो रही है। मेरे ख्याल में इसको कंटिन्यू रहना चाहिए था। सी पैक को बीच में कुछ अर्से कुछ खबरें आ रही बिल्कुल ही जो है वो नॉन एक तरह से बिल्कुल ये समझ लें कि वो जो एक एक बहुत ही लोएस्ट ऑपरेशनल था, लाइमलाइट जो थी वो बिल्कुल हट गई थी और सी पैक जो है बिल्कुल जो है वो जो जिस तरह से उस पर इम्प्रूवमेंट आ रही थी, जिस तरह से उस प्रोग्रेस हो रही थी वो फिर रुक गई थी। अपेरेंटली नजर यही आ रहा था, हालांकि बैकएंड पे काम डेफिनेटली चल रहा होगा, तो अब दोबारा से उसको टेकअप किया गया। मेरे ख्याल में इसको कंटिन्यूटी के साथ हमें इसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ इसको किसी पाए तकमील तक हम पहुंचाएं, किसी हद तक हम इसको करें पूरा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है कि गेम चेंजर है डेफिनेटली पूरे रीजन के लिए। गेम चेंजिंग तभी तक होगा ना जब उसको हम एग्जीक्यूशन शक्ल देंगे उसको। बिल्कुल, तो अब यह है कि उस पर काम दोबारा से नजर आना शुरू हुआ है कि बात होना शुरू हुई है, एंगेजमेंट शुरू हुई है। इसके साथ साथ हमें और भी बियॉन्ड सी पैक भी जाना चाहिए, मिसाल के तौर पर मिडल ईस्टर्न इकोनॉमीज के साथ हमें मजीद जो है वो क्लोज होना चाहिए। सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुक दोबारा से बेहतर हो जा रहे हैं, दोबारा से ठीक कह रहा हूँ, बीच में कुछ रियलिस्टिकली स्पीकिंग बीच में कुछ इश्यूज हुए थे पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे कि जहाँ पे थोड़ी सी दूरियां हुई थी, और अब दोबारा से वो $3 बिलियन कह रहे हैं कि अब डिपॉजिट आ जाएगा उनकी तरफ से अगले हफ्ते। ये फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट में कहा है, अभी होपफुली आ जाए, उसके बाद हम इसको मजीद स्ट्रेंथन करें अपने टाइज को। फिर हम चाइना के साथ, फिर ईरान है, अफगानिस्तान है जी, और इवन इंडिया के साथ भी हम कहीं ना कहीं जो है एक एक बिल्कुल जहाँ पे आपने इंडिया का एडिशन किया, जिस तरह इंडिया के साथ भी जरूर ट्रेड अपना बहाल करें जहाँ पर हमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट डैमेज नहीं हो रहा। इसी तरीके की एग्जैक्टली सर एक और प्रोजेक्ट्स हैं, आप जानते हैं उनके हवाले से बहुत सारे, सी पैक के हवाले से ये तो एक मेजर BRI का एक प्रोजेक्ट है ना, इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चीन कर रहा है जिसमें भारत भी शामिल है। अब आप देख कि वो भारत कितना ज्यादा जो है अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहा है कि एक तरफ तो लद्दाख का डिस्प्यूट चीन के साथ, दूसरी तरफ वो जितने भी अल्टरनेट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें चीन के साथ शामिल है। आपको पता है कि चाइना और इंडिया की ट्रेड का लेवल कितना साइज है? $100 बिलियन और हमारा और चाइना का कितना है पता है आपको? 12 से 13, 16-17 बिलियन डॉलर। इतना ह्यूज डिफरेंस जी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें हर चीज अपनी जगह होती है, प्लीज इसको इस तरह से लें कि जहाँ पे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ हैं। अच्छा, ये अच्छी चीज है कि हम स्टांस, हम वो हिपोक्रेसी वाला स्टांस नहीं लेते कि एक तरफ हम सब कुछ कर रहे हैं और ये लड़ भी रहे हैं, ये हम नहीं करते। ये बुरी बात नहीं है, ये होना यही चाहिए दुनिया में, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं होती। आपको अपने इंटरेस्ट को जो है सेफगार्ड करने के लिए अगर कहीं पर ट्रेड आती है और जहाँ लोगों का फायदा, देखिए मैं बात कर रहा हूँ जो लोगों से लोगों के साथ जहाँ फायदा है ना, कि अगर हमारे इस एंड पे लोग चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, ईरान के साथ हो, मिडल ईस्ट के साथ हो, चाइना हो, इंडिया हो, इन सबके साथ अगर लोगों को फायदा हो रहा है ना हमारे, तो हमें करना चाहिए। अगर लोगों को फायदा नहीं हो रहा तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, चाइना कश्मीर पे हमारा जो स्टांस है वो बहुत सॉलिड है और UN की जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से हम तो कोई ऐसी बात करते ही नहीं, ये तो इंडिया को करना चाहिए एक्चुअली अगर वो डेमोक्रेसी कहता है अपने आप, वो तो बहुत बड़ी बहस है, एक डिबेट है ना, तो वो तो उसके पास उसको करना चाहिए। जहाँ तक ट्रेड की बात है, इन्वेस्टमेंट्स की बात है और नॉलेज एक्सचेंज की बात है, हमें सबसे सीखना भी है, सबके साथ कोलैबोरेट भी करना है और अपने फायदे के लिए करना है। अपने फायदे के लिए नॉलेज एक्सचेंज है, जो ये दो पॉइंट्स आपने बोले सर, अगर हम भारत को देखते हैं तो वो वहाँ अपने सारे स्टूडेंट्स को फुल स्कॉलरशिप्स भी ले रहा है चीन से, बंद नहीं कर रहा, क्योंकि एक तरफ वो पूरा जहर उगल रहा है चीन के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ उसकी इकोनॉमी बिजनेस कर रहा है। चाइना ने तो सब कुछ डिस्टर्ब किया है ना, चाइना तो वर्ल्ड